नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अंबरनाथ के बुआपाड़ा इलाके में पत्थर की मशीन के पास रेत के नीचे दबने से 4.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चा एक दिन पहले से लापता था, जिसकी तलाश जारी थी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सफीउल्ला शेख बुआपाड़ा इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। उसका बेटा सलाउद्दीन शेख का एक दिन पहले दोपहर में खेलने के लिए गया और घर नहीं लौटा। तब पुलिस स्टेशन में मिसिंग की तकरार की गई और पुलिस लड़के की तलाश में जुट गई। वहीं जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इस बच्चे के घर के पास खड़ी मशीन के पास इस बच्चे की 100 ग्रेड रेत के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिला। इस घटना से बुआपाड़ा इलाके में खलबली मच गई। पत्थर के मशीन के मालिक ने क्षेत्र को कंपाउंड नहीं किया गया है, इसलिए बच्चे इस खड़ी मशीन के इलाके में खेलने जाते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, ऊपर से डंपर से गिराया जाता है मटेरियल, जो भी है रॉ मटेरियल, उसके अंदर बच्चा दब गया। और हम लोग पता जब 7-8 बजे तक ढूंढना चालू किया उसको। उसके बाद रात को पुलिस कंप्लेन करने गए तो उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम बाद आओ, पहले ढूंढो। हम लोग ढूंढे पूरा आके रात में, फिर 2:30-3 बजे हमको फ़ोन आया कि वापस आ जाओ, आपका कंप्लेन लिखा जाएगा। वहाँ गए, कंप्लेन लिखा गया, सुबह में पुलिस आई, फिर हम लोग पूरा मोहल्ले वाले और हम लोग मिलकर पूरा जंगल ढूंढना चालू किए, खदान वगैरह। बाद में जेएसपी से वहाँ से थोड़ा हटाया रेती, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ जैसे ही डालने, बच्चा ही ऐसा पड़ा था सोया हुआ, इसको ऊपर पूरा मटेरियल आया हुआ। पुलिस ने जेएसपी लगा के इसको हटाना चालू किया तो इसके अंदर बच्चा मिला 5 साल के आसपास दिन से। हिसाब से जो मालिक है इसका, वो इनके जिम्मेदार होना चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। यहाँ पर ये खड़ी मशीन पे 4.5 साल 9 महीने का बच्चा सलाउद्दीन करके, यहाँ पर कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे खड़ी मशीन पर, और खेलने के कारण कुछ बच्चा पीछे से खड़ी मशीन के जो मशीन से जो ग्रिड है उन्होंने फेंका पीछे से, बच्चा दब के यहाँ पर रह गया। और उसके बाद परिवार के लोगों ने कंप्लेंट दिया मिसिंग का, तो आज सुबह सीनियर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब भी यहाँ पर आए थे, बच्चे का अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजे है। हमारी ये मांग है कि ये जो यहाँ पर जो प्रोसेसर में खड़ी मशीन है, ये कई सालों से इसको कोई बाउंड्री नहीं है और कोई सिक्योरिटी यहाँ पर है नहीं, जिसके इसलिए ऐसे और कारणियाँ हो सकते हैं यहाँ पर। और ये खड़ी मशीन की जो यहाँ की जो घटना घटी है, इसकी जिम्मेदार पूरी खड़ी मशीन के ऊपर होती है। मुस्लिम समाज, मुस्लिम जमात अंबरनाथ की ओर से पूरा इसका निषेध करती है, और इसको जो भी कार्रवाई है इसकी तहकीक करके सामने वालों को न्याय मिलना चाहिए। ये जमात, मुस्लिम जमात का अपील है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।